केक कट करिए, पूरी वीडियो केक खा के रात बनेगी, पूरी रात वीडियो बनेगी। कौन बनाएगा? हैप्पी बर्थडे रिपब्लिक डे, हैप्पी बर्थडे रिपब्लिक डे। मतलब कैमरे के सामने रिएक्शन, मतलब कुछ लगन, इसका कई पैटर्न्स है। सो गाइस चेक करो, एक पैटर्न ये हो गया, एक पैटर्न ये हो गया। तो गाइस यार इसमें एंड यहाँ मैं अपने शॉप से लेके आया हूँ, मतलब कि दो दो हाइड्रोजन वहाँ पे रखा हुआ था एंड एक यहाँ पे मरकरी लगा रखी, मतलब इतना लाइट कर दिया ना कमरे में कि यार मतलब अब फेस पे जो मतलब कि यार कहते नहीं गाइस, ठीक है क्यों ऐसे खा रही है। सो हेलो जी, कैसे आप सब? सो गाइस आपका दोस्त पैडी स्वागत करता हूँ फिर से एक और न्यू मस्त एक ब्लॉग में। सो गाइस आज इतना डेली ब्लॉग चैलेंज का तीसरा दिन एंड गाइस यार मैंने कहा ना स्टूडियो रेडी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दे क्या क्या तैयारी हो चुकी है एंड अभी क्या क्या करना बाकी है। सो गाइस यार फर्स्ट ऑफ ऑल कल हम लोग कहते हैं ग्रास के लिए, मतलब मैं इस मतलब ये जो दीवार है ना गाइस, ये सब मतलब इस सब को तो इग्नोर करना या सब मैं साइड कर दूंगा एंड पूरा मतलब ये सब जितना फालतू का सामान है ना सब मतलब जाएगा ये कबाड़ में अब। एंड गाइस यार ये चेक करो, इस वॉल पे मैं इतना ग्रास लगाने का सोच रहा था बट यार ग्रास मेरा थोड़ा सा ओवर बजट हो जा रहा है, बिकॉज यार मतलब कि ग्रास मेरे को 3 से 3,500 तक के बीच में आ रही है। सो इस वजह से ग्रास अभी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ लूँ कि ना लूँ। बाकी मेरा एक फ्रेंड कह रहा है कि इस पर हम लोग जा कहते हैं जैसे कि वो होता है ना यार स्लैब एक होता है, तो उसको हम लोग मतलब अपना प्रिंट करवा के इस पर लगा सकते हैं पीछे बैकग्राउंड के लिए, इससे सही बैकग्राउंड लगे। एंड गाइस यार ये चेक करो, ये मैंने यहाँ पे एक फोकस लाइट लगा रखी है, रात में से शूट करूँगा तो फेस पे पूरा फोकस रहेगा एंड इसका कई पैटर्न्स है। सो गाइस चेक करो, एक पैटर्न ये हो गया, एक पैटर्न ये हो गया। सो गाइस यार इसमें एंड यहाँ मैं अपने शॉप से लेके आया हूँ, मतलब कि दो दो हाइड्रोजन वहाँ पे रखा हुआ था एंड एक यहाँ पे मरकरी लगा रखी, मतलब इतना लाइट कर दिया ना कमरे में कि यार मतलब अब फेस पे जो मतलब कि यार कहते नहीं गाइस कि मतलब कि एकदम अट्रैक्ट होगा, मतलब राइस किसी तरफ से आप लोगों को मतलब बैकग्राउंड भी सही देखने के लिए मिलेगा। एंड ये सब पूरा जितना देख रहे हो ना गाइस सब हटाऊंगा मैं आज एंड शाम में भी, मतलब कि मैं चढ़ूंगा पूरा काम खत्म कर देंगे यार। कल रात में 10 बजे तक हम लोगों ने इतना काम किया एंड भाई मतलब कल पता क्या हुआ था, हो गया था बहुत पहले ही बट मैं मतलब ये काबिल मतलब ये जो मेन वायरिंग है ना ये लोग नीचे जब कनेक्शन दे रहे थे तो मेरे फ्रेंड ने कहा लगाओ एंड मैंने क्या किया प्लस माइनस को एक में जोड़ दिया एंड पूरी वायरिंग जो थी सब ब्लास्ट करी। हम लोग खुद से बना रहे हैं, मतलब किसी मतलब की मैकेनिक एंड किसी की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी हम लोग को, हम लोग खुद से ही अपना जोड़ जाड़ के कैसे भी करके अपने ही मतलब मेरे भाई हाथ ने किया सारा काम एंड मतलब कि हम लोग ने पूरा लगा दिया लास्ट में, मतलब लास्ट में पूरा ब्लास्ट हो गया था रात में। तो उसके बाद मतलब फिर उसके फिर से न्यू वायर आया, न्यू वायरिंग हुई एंड ये अभी दो हाइड्रोजन मैं अभी जस्ट लेके आया हूँ, एक मतलब ये वाला जो है मैं यहाँ लगाऊंगा गाइस चेक करो यहाँ पे एंड जो ये वाला हाइड्रोजन है इसको अपन लगाएंगे इस साइड एंड फिर उसके बाद दोनों साइड से फोकस पड़ेगा एंड यहाँ पे मैं लेके आऊँगा, आज मैं जा रहा हूँ शायद लैपटॉप परचेस करने, आ जाए तो कल मैं कर लूँगा। यहाँ पे एक टेबल लगाएंगे, यहाँ पे चेयर, ये सब अपना साइड कर देंगे हम लोग, यहाँ पे टेबल चेयर आराम से दो चीज़ें हो जाएंगी। सो फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब एक लैपटॉप एंड पूरा मतलब पूरा जब यार कंफर्म हो जाएगा ना मतलब पूरा काम कंप्लीट हो देन उसके बाद आप लोग कहोगे हाँ भाई तुम कह रहे थे तुमने किया, बिकॉज यार देखो मैं जो कहता हूँ ना वो करता हूँ, मतलब ये नहीं कि व्लॉग में बोल दिया कि भाई मैं ये लूँगा आईफोन लूँगा लेकिन नहीं गाइस लिया, गोप्रो का था गोप्रो भी लिया, मतलब यार मैं कहता हूँ जो करता हूँ भाई व्लॉग में जो कहता हूँ करके, टाइम लगता है बट भाई करता है तुम्हारा भाई। लेकिन अब देखो अब तो इसको रेडी करके पूरा हम लोग मतलब हार नहीं मानेंगे, पूरा रेडी करेंगे यार, पूरा होल वगैरह करके हुआ पूरा ड्रिल मशीन से हम लोग ने होल किया है यहाँ एंड पूरा बोर्ड वगैरह, इतना सिर्फ सामान लाने, मतलब कि ये अगर हाइड्रोजन को छोड़ दें बिकॉज इसे तो शॉप से आया मेरे, इसमें मतलब मेरे को कॉस्टिंग नहीं पड़ी है, अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर लूँ एंड ये मकरी की बात कर लूँ एंड यार सब बोर्ड वगैरह वायर वगैरह की 1,000-1,500 आराम से लग गए सिर्फ इतने से काम में। एंड अगर हम लोग ने अगर मतलब कोई इलेक्ट्रीशियन को बुलाया होता ना तो अलग अपना चार्ज करता, बट हम लोग ने ना खुद से ही कर लिया एंड ये सब मैं सोच रहा हूँ। वॉलपेपर मैंने पिछले ब्लॉग में देखा होगा इस वाले दीवार पे मैंने वॉलपेपर लगाया था, बट वॉलपेपर ये हो रहा ना गाइस वॉलपेपर की बात कर रहा था, यहाँ पर हम लोग ने वॉलपेपर लगाया था बट यार वो मतलब सनलाइट जब पड़ी ना तो ये देख सकते पूरा गर्मी में मतलब बहुत ज़्यादा हीट करता है, तो दैट्स वाई मतलब जितने यहाँ पे वॉलपेपर था सब नीचे गिर गया, सब छोड़ दिया उसने। एंड गाइस यार वीडियो को बीच में से कट करना पड़ा, उसका रीज़न ये था ना मेरे फ़ोन की थोड़ा सा स्टोरेज इशूज़ हो गए थे, बिकॉज मैंने गोप्रो से जब मैं वीडियोज़ लेता हूँ ना गाइस तो मेरे गोप्रो ऐप में मतलब कि अराउंड 60 से 70 GB तक यार वो स्टोरेज ले लेता है एंड 128 GB अपना आईफोन है। सो मतलब कि यार थोड़ा सा स्टोरेज इश्यूज हो गए थे, मैंने भी स्टोरेज क्लियर कर दी गाइस एंड मैं ये कह रहा था ना गाइस कि अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ग्रास के, तो बैनर का जो है हम लोग का यहाँ पीछे का इस वॉल का उसका पता करने एंड लैपटॉप का ही देखते हैं आज हो सकता है तो आज ही चलते हैं, मेरे पास कैश पड़े हैं
एंड मतलब कि देखो आज जा रहे हैं कि कल जा रहे हैं वो, मतलब मेरा फ्रेंड जो है आज वो अभी है थोड़ा काम से गया है, जब वो आ जाए तो उसी के साथ जाएंगे हम लोग। एंड गाइज यार अभी चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि थोड़ा सा और स्टूडियो सामान वगैरह लेने, तो बने रहो ब्लॉग में जैसा होता आगे दिखाते हैं। आप लोगों ने दिखा दिया ये देखो ये पूरा मतलब यार मैं कह रहा हूँ ना गाइज जब ये सफाई हो जाएगी ना यहाँ पे सब सामान रखा जाएंगे ना देन उसके बाद आप लोग ना मैं मतलब कि यार मतलब शर्त लगा सकता हूँ लोग कहेंगे हाँ भाई तुमने कहा तो किया। सो गाइज यार अभी फिलहाल चलते हैं एंड दिखाते हैं आप लोग को आगे गाइज। तो चलो सो फाइनली गाइज यार चेक करो मतलब कि गाइज यार पूरा साफ कर दिया एंड वो चेक करो गाइज इधर का भी पूरा निकल गया है एंड यार चेक करो गाइज कितना ज़्यादा मतलब कि इसमें से वेस्ट निकला है एंड यार अभी इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं गाइज क्या होगा क्या नहीं। एंड गाइज यार अभी एक बार रूम चेकआउट करो ये यहाँ से मतलब जो बेड था ना वो निकाल दिया हम लोग ने एंड ये अंदर का मतलब कि है सामान तो इसको भी सही से रख देते हैं गाइज एंड यहाँ पे मतलब जो साइड में बॉक्स वॉक्स रखा ना सब बॉक्स उस पर रख दिया हम लोग ने एंड यहाँ का पूरा खाली करेंगे अभी हम लोग देन उसके बाद गाइज यार यहाँ पे तो फोकस लाइट यहाँ पे फोकस करेगी। यहाँ पे टेबल ला के हम लोग को रखना है देख सकते हो यहाँ पे चेक करो यहाँ पे टेबल रखाएगी एंड और भी बाकी सारा काम होगा एंड इसको हम लोग पूरा हाइड कर देंगे यहाँ पे एक मतलब कि पर्दे टाइप ला के डाल देंगे अपन एंड देन उसके बाद बड़ा ही भयंकर सीन होगा गाइज। तो निकाल देते हैं सारा सामान एंड जब उसको पूरा फिनिश कर लेते हैं पूरी सफाई कर लेते हैं देन उसके बाद दिखाते हैं। आज है संडे तो कई लोग मेरे को संडे राइड के लिए भी कॉल कर रहे हैं बट यार स्टूडियो के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ एंड बिकॉज यार 50 डेज ब्लॉग चैलेंज भी लिए तो डेली ब्लॉग करना ही करना है कंटेंट आप लोग को लिए देना ही देना है। एंड यार अब आप लोग को जो बैकग्राउंड इशूज होता था ना मेरे मतलब कई सारे फ्रेंड्स ने विकास शिजान ने भी कहा कई सारे फ्रेंड्स ने कहा भाई तुम्हारा बैकग्राउंड जो रहता था ना वो मतलब कहीं कहीं कपड़ा सूख रहा कहीं कुछ हो रहा। अब मेरे सारे इंट्रोज यहीं शूट होंगे एकदम मतलब मस्त से बैकग्राउंड में एंड यार अब बैकग्राउंड इशूज अब खत्म हो जाएंगे गाइस। एंड एक बार यार फिर से देखो ये रही लाइट एंड यार मतलब चेक करो यार कितना ज़्यादा फालतू सामान निकला है एंड इसकी वायरिंग जो है अब इसको भी इन लोग को सही करना है इसको कनेक्शन पूरा नीचे देना है गाइस। तो अभी कम कर लेते हैं देन उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं भाई। इधर अभी जस्ट आए थे घर पे एंड आज है रिपब्लिक डे सो रिपब्लिक डे पे फन क्या करने जा रहे केक काटने जा रहे हो हाँ। तो कट करा जाए केक हाँ। कट करिए पूरी वीडियो केक खा के रात बनेगी पूरी रात वीडियो बनेगी हाँ। कौन बनाएगा आप। हम बनाएंगे हाँ। ठीक है तो पहले केक कट कर लेते हैं ना हाँ। जल्दी कट करिए फन अपने से कट होगा हैप्पी बर्थडे रिपब्लिक डे हैप्पी बर्थडे रिपब्लिक डे हैप्पी बर्थडे हाँ हाँ अम्मा खिलाओ अम्मा जल्दी वीडियो में आती नहीं है फन जल्दी जल्दी से ये हैप्पी बर्थडे रिपब्लिक डे हो गया हैप्पी रिपब्लिक डे चलो अम्मा को काट इसके लिए अच्छे से तब अच्छी वीडियो आएगी मतलब कैमरे के सामने रिएक्शन मतलब कुछ और ही गाइस। अफान अम्मा का रिएक्शन कैसा था हाँ नहीं खा पा रही क्या हाँ क्यों ऐसे खा रही है अब्बा को अब्बा ऐसे ही खिला रहे अब्बा कैसे खिलाओगे अब्बा खाए चाकू से बस हो गया खिला दो छोटे भाई को छोटे ले भाई को खिला दो ठीक है चलो चलो T1 करी कॉपीराइट आ जाएगा हो गया बस अब बड़े वाले भाई को भी खिलाओ सबको खिला दो हम भी खाएंगे हेलो हाँ अस्सलाम खा लिया कौन जी रिपब्लिक डे का जी अल्हम्दुलिल्लाह सर पे क्या लगाए हो माँ तुझे चला चलाम की सलाम हाँ पहले ये बताओ सलाम की चलाम नहीं बातें नहीं है रिपब्लिक डे मना रहे हैं ब्लॉग बना के हो गया बस 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 अफान केक सो गाइस यार केक कट हो चुका है एंड चलते हैं सो बने रहो ब्लॉग में आगे सो गाइस यार अभी अपन आ चुके हैं अपने फ्रेंड के घर पे एंड यार मतलब कि स्टूडियो का सामान यहाँ से हम लोग को लेने जाना है सो कल के ब्लॉग में दिखाएंगे अब क्या स्टूडियो में काम होगा 5 से 6 दिन का काम है सो सब फाइनल करेंगे एंड सारा सेटअप करेंगे एंड यार देखो अब आगे क्या होता है गाइस यार ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और न्यू मस्ती मजेदार वीडियो के साथ तो खुश रहो मस्त रहो एंड यार चैनल को यार शेयर कर देना दोस्त यार हर जगह शेयर कर देना गाइस जहाँ जहाँ कर सकते हो
एंड यार जल्दी से मतलब 10K करा दो, 5K मतलब 5K हो गए हैं तो 10K भी करा रहे हैं। मोनेटाइजेशन वाला पेज जो है यार, मतलब मैं कह रहा हूँ पर्सनली भाई, मेरी वीडियोस देखने का मन नहीं, फिर भी उसको रिपीट कर दो एंड छोड़ दो भाई, इतना कर सकते हो मेरे लिए। बिकॉज यार मतलब मेरा मोनेटाइजेशन 2000 घंटे हो गए, 2000 घंटे और चाहिए, देन उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर कोई इशू नहीं गाइस, फिर रेगुलर ब्लॉग्स ही चलते रहेंगे। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, एंड यार आज मेरा हो गया डिजिटल ब्रीड, एंड मतलब मेरे पास कैलेंडर नहीं यहाँ पे, तो उसको भी कट कर देंगे घर जाके, देन उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं गाइस। अभी फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं एंड, तक के लिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, खुश रहो मस्त रहो खाते पीते, गुड बाय।